Divine thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गैलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के योसेफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ ही। वो इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उनका राज का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कदन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु ईसा मसीह में स्नेही साथियों, कलीसिया के उपासना विधि के अनुसार हम सुसंदेश काल से गुजर रहे हैं। सिरियक भाषा में इसे सुबारा कहते हैं, सुबारा काल। सुबारा शब्द का अर्थ है घोषणा करना, संदेश देना आदि। सुसंदेश क्या है? पाप के गुलामी में पड़े हुए मानव को बचाने के लिए ईश्वर मनुष्य बन गया। पाप के गुलामी में पड़े हुए मानव को बचाने के लिए ईश्वर मनुष्य बन गया, ईश्वर मनुष्य बना। यह है सुसंदेश। सुसंदेश काल में हम विशेष रूप से प्रभु ईसा मसीह के जन्म से जुड़ी हुई बातों पर मन चिंतन करते हैं और इस काल का केंद्र है प्रभु ईसा मसीह का जन्मोत्सव। और इन दिनों में हम प्रभु ईसा मसीह के जन्म से जुड़ी हुई बातों पर मन चिंतन कर रहा था। प्रभु ईसा मसीह के जन्म के संदेश के बारे में अभी हम पढ़कर सुना है। उत्पत्ति ग्रंथ में मानव कुल के पतन के बारे में बताया गया है, किंतु संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में संत लूकस प्रभु ईसा मसीह के जन्म के संदेश के द्वारा मानव कुल के मुक्ति के बारे में बताया है। इसके लिए मानव कुल के मुक्ति के लिए ईश्वर ने नाजरेथ के एक साधारण लड़की को चुन लिया। अभी यह प्रश्न उठता है, प्रभु ईश्वर ने क्यों एक साधारण लड़की को चुन लिया, जिसकी मांगनी योसेफ नामक पुरुष से हुई थी? नाजरेथ में अनेक कुवारियां रहती थी। बड़े बड़े दरबारों में, बड़े बड़े राजमहल महलों में वो सुंदर कुवारियां रहती थी। ये सब छोड़कर ईश्वर क्यों एक साधारण
लड़की को चुन लिया। यदि इसे समझना है तो स्वर्गदूत के शब्दों पर थोड़ा सा मन चिंतन करना होगा। सबसे पहले स्वर्गदूत मरियम को अभिवादन करते हुए बोलते हैं, प्रभु की कृपा पात्री। संत लूकास के अनुसार सुसमाचार पहला अध्याय 28वां वाक्य, मरियम प्रभु की कृपा पात्री है। दूसरा, प्रभु मरियम के साथ है। प्रभु मरियम के साथ है। संत लूकास के अनुसार सुसमाचार पहला अध्याय 28वां वाक्य। तीसरा, मरियम को ईश्वर की कृपा प्राप्त है। पवित्र कुवारी मरियम को ईश्वर की कृपा प्राप्त है। संत लूकास के अनुसार सुसमाचार पहला अध्याय 30वां वाक्य। चौथवां, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया मरियम पर पड़ी। सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया मरियम पर पड़ी। संत लूकास के अनुसार सुसमाचार पहला अध्याय 33वां वाक्य, मरियम पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गई। मरियम पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गई। संत लूकास के अनुसार सुसमाचार पहला अध्याय 35वां वाक्य, इन विशेषताओं के कारण ईश्वर ने पवित्र कुवारी मरियम को ईश्वर की मां बनने के लिए चुन लिया। प्रभु मसीह का जन्म का संदेश सारी दुनिया के लिए खुशखबरी है, सुसंदेश है, किंतु पवित्र कुवारी मरियम के लिए, जिसकी मांगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, ये खुशखबरी नहीं है, सुसंदेश नहीं रही। क्योंकि यहूदी परंपरा के अनुसार यदि कोई कुवारी विवाह के पहले गर्भवती हो जाती है तो उससे पत्थर फेंक कर मरवा डालते थे, ये उनकी परंपरा थी। और दूसरी एक बात है, यहूदी परंपरा में ऐसा एक विश्वास प्रचलित थी, एक रीति रिवाज चलती थी कि ऐसी स्त्रियों में अशुद्ध आत्मा प्रवेश करती है जिसकी मांगनी हो गई है और वे अपने पति को मरवा डालती है। ऐसी स्त्रियों में अशुद्ध आत्मा प्रवेश करती है जिसकी मांगनी हो जाती है और वे अपने पति को मरवा डालती है। इसके लिए उदाहरण हम पवित्र ग्रंथ में देखते हैं, तोबियत का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सारा नामक युवती अशुद्ध आत्मा के वश में आकर अपने सात पदियों को मरवा डालती है। शायद इन कारणों से पवित्र कुवारी मरियम डर गई। और पवित्र कुवारी मरियम स्वर्गदूत से पूछते हैं, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से कोई संसर्ग नहीं है। एक साधारण सवाल जकरियास ने स्वर्गदूत से पूछा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। अब यह प्रश्न उठता है, जकरियास को दंड मिला और पवित्र कुवारी मरियम को दंड नहीं मिला, क्योंकि दोनों एक जैसा सवाल उठाते थे, प्रश्न पूछते थे। यह समझने के लिए हमें थोड़ा सा और गहराई से सोचना पड़ता है। सबसे पहले हमें समझना है, जकरियास के लिए एक दंड नहीं है, एक चिन्ह है। स्वर्गदूत ने जकरियास से कहा, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होगी उस दिन तक आप मौन रहेंगे। एक जकरियास के लिए एक चिन्ह है कि ईश्वर की वादा पूरी हो जाएगी। दूसरी बात, जकरियास एक याचक है,
उसे पवित्र ग्रंथ का हर एक कथन याद होना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए और उस पर मनन चिंतन करना चाहिए। उनके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। पवित्र ग्रंथ में ही हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ 17वां अध्याय में हम पढ़ते हैं इब्राहिम की पत्नी सारा बांज थी, उनके लिए कोई संतान नहीं थी। उनके बुढ़ापे में ईश्वर ने उन्हें एक संतान प्रदान की। इसहाक की पत्नी रेबेका बांज थी, उन्हें भी ईश्वर एक संतान प्रदान करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 25वां अध्याय याकूब की पत्नी राहेल बांझ, ईश्वर उन्हें संतान प्रदान करता है। उत्पत्ति ग्रंथ 29वां अध्याय समसोन की मां मनोवा की पत्नी बांझ थी, ईश्वर ने उन्हें एक संतान प्रदान किया, वो के समसोन। इसी प्रकार अनेक उदाहरण जक्रियस के सामने खड़े हैं। ये समझने में जक्रियस असमर्थ हो गया। और तीसरी बात, पवित्र कुवारी मरियम एक कुवारी है। इतिहास में कभी भी कहीं भी ये सुनने में नहीं आया कि पुरुष के संसर्ग के बिना एक कुवारी गर्भवती हो गई है। पवित्र कुवारी मरियम इसलिए स्वर्गदूत से पूछती है, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से कोई संसर्ग नहीं है। तब स्वर्गदूत उसे समझाते हुए बताते हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और एक उदाहरण लेकर समझाते हैं, देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है, अब उसका जो बांच कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है। और स्वर्गदूत मरियम से कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुरंत मरियम बोल उठी, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। जक्रियस और पवित्र कुवारी मरियम दोनों ईश्वर का संदेश अपने जीवन में साक्ष्य स्वीकार किया, ईश्वर की योजना के साथ आगे बढ़ा। जक्रियस के जीवन में जरा देखिए, जक्रियस ने ईश्वर का योजना साक्ष्य स्वीकार किया, वो गूंगा बन गया, फिर भी ईश्वर की योजना के साथ पूर्ण रूप से सहयोग दिया। नौ महीने के बाद जब प्रभु ईश्वर की वादा पूरी हो जाती है, तब ईश्वर की स्तुति करते हुए जक्रियस भजन गाने लगते हैं। यानी ईश्वर की योजना जक्रियस ने साक्ष्य स्वीकार की। पवित्र कुवारी मरियम ने ईश्वर की योजना के साथ पूर्ण रूप से सहयोग दिया। पवित्र कुवारी मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कदम मुझ में पूरा हो जाए। अभी अपने व्यक्तिगत जीवन की ओर जरा नजर डाल कर देखेंगे, मेरे और आपके जीवन में मुसीबत आ जाएंगे, कठिनाइयां आ जाएंगी, परेशानियां आ जाएंगी, हम ईश्वर के साथ ईश्वर की योजना के साथ पूर्ण रूप से सहयोग देना है। सुख हो दुख हो संकट हो खुशी हो, हमेशा ईश्वर के साथ पूर्ण रूप से सहयोग देना है। मेरे और आपके जीवन में बीमारी आ जाएंगी, रोगी के अवस्था में पड़ जाएंगे और मुसीबतों का सामना करना है, तब इनके समान
ईश्वर के योजना के साथ योजना समझकर उसके साथ पूर्ण रूप से सहयोग देना है, तभी मेरा और आपका जीवन सार्थक हो जाएंगे। ईश्वर हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।